हेलो फ्रेंड्स, कैंडी किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेसन का करारा। बेसन का करारा बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेसन को छान लिया है और इसे एक पराती में डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और इसे अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी के हल्के हल्के छींटे मारेंगे और इसकी गुत्थियां बना लेंगे। हमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वरना ये बेसन है जो कि हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा और इसकी गुत्थियां नहीं बनेंगी और ये चिपक जाएगा। हम अपनी बनी हुई गुत्थियों को एक साइड में कर देंगे। फिर से हमें इसमें हल्की से छींटे मारने हैं। हमारी बेसन की गुत्थियां बिल्कुल बन चुकी हैं। अब जो हमारा बेसन पराठी में चिपक गया है, उसे भी हम अपने हाथ की सहायता से बिल्कुल हटा देंगे। देखिए, हमारी बेसन की गुत्थियां बिल्कुल बन चुकी हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बेसन की गुत्थियों को डालेंगे। अपनी बड़ी बड़ी गुत्थियां हैं, उन्हें हम थोड़ा पहले डाल देंगे और जो हमारी छोटी छोटी गुत्थियां हैं उन्हें थोड़ा हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर एक साथ में डालेंगे तो जो ये हमारी छोटी छोटी गुत्थियां हैं ये थोड़ी हमारी जल जाएंगी और इन्हें अच्छे से पकने देंगे। हमारी बड़ी बड़ी गुत्थियाँ हैं जो हल्की सी भुन चुकी हैं। अब हम इसमें अपनी जो छोटी गुत्थियाँ रह गई थी उन्हें भी ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और सबको अच्छे से भुनने देंगे। हमारी ये बेसन की गुत्थियाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, हम इसी में पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज के करारा बना रहे हैं इसलिए इसमें ही पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा बेसन है जो पानी में फूलेगा। और इसे ढककर के लिए 5 मिनट के लिए पकने देंगे।
5 मिनट के बाद अब हम अपना ढक्कन खोलते हैं और अपनी सब्जी को चला देते हैं। हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी बेसन की गुत्थी या फिर बेसन का करारा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसे हम सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।